हाय नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज सुजा बंगेरा हियर एंड वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल होम स्टाइल एंड फैशन। आज जो हमारा वीडियो है वो भी अपसाइकल्स ऑफ ओल्ड साड़ी। अगर अगर आपके पास कोई पुरानी साड़ी पड़ी है जो आप नहीं पहनते तो प्लीज़ उसे डिस्कार्ड मत कीजिए। इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आप अपनी पुरानी साड़ी के साथ क्या क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आगे वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज़्यादा डिले ना करके हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं हमारी पहली आउटफिट की तरफ। ये मेरी मदर इन लॉ की पुरानी साड़ी है। तो जो साड़ी की जो बॉडी पार्ट है उससे मैंने ये बॉटम सिया हुआ है जो काफ़ी घेरे, पूरा साड़ी को मैंने यूटिलाइज़ किया हुआ है इस बॉटम पार्ट के लिए। इस साड़ी का जो पल्लू है उससे मैंने ये पार्ट सिया है ब्लाउज़ का, और इसे गोटा पट्टी वर्क से पूरा बॉर्डर लगाया ताकि ये थोड़ा अट्रैक्टिव दिख सके। इसे मैंने पफ स्लीव्स दिया हुआ है शॉर्ट में और उस पर भी बॉर्डर लगाया हुआ है। इस पर अंदर मैंने कॉटन का अस्तर दिया ताकि इसमें फुल अच्छा वॉल्यूम मिल सके ड्रेस को। अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी पड़ी है तो आप ऐसे ही कुछ अट्रैक्टिव अनारकली आउटफिट सी सकते हैं। तो ये पहनने के बाद कैसा लगता है वीडियो के एंड में ज़रूर देखना। और अब हम चलते हैं हमारी दूसरी आउटफिट की तरफ। ये है दूसरा आउटफिट। ये भी मेरी मदर इन लॉ की ही साड़ी है। ये साड़ी बॉडी, ये जो इनिशियल जो साड़ी का पार्ट होता है प्लेन पार्ट, तो उसमें से है। इसका जो बॉर्डर है वो मस्टर्ड कलर विद गोल्डन बॉर्डर है। काफ़ी प्यारी साड़ी थी, इस पर थोड़ा सा दाग लगा होता शायद इसलिए उन्होंने कभी पहना नहीं है। तो ये साड़ी से ये जो साड़ी का इनिशियल जो पार्ट रहता है उससे मैंने ये शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस सिया हुआ है बॉक्स प्लीटेड पैटर्न देख के। ये बॉक्स प्लीटेड है, इस तरह से मैंने उसको एक डिज़ाइन दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक प्लीटेड करके एक डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये बोट नेक है विथ स्लीवलेस, इसके अंदर मैंने कॉटन का अस्तर लगाया हुआ है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई साड़ी है तो आप इससे एक इस तरह का एक आउटफिट भी सी सकते हैं। अभी जो इसका बाकी का जो साड़ी का पार्ट था वो कुछ इस तरह तरीके से था, इस तरीके के डिज़ाइन का था। तो इसे आगे चल के मैं कुछ ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इससे मैं क्या बना सकती हूँ। अभी इसका जो पल्लू का पार्ट जो था वो मस्टर्ड कलर का पल्लू का पार्ट था कुछ इस तरीके से। तो इससे मैंने एक शॉर्ट जैकेट सिया हुआ है। एक्चुअली मुझे इसे थोड़ा लंबा स्लीव सीना था लेकिन मटीरियल पल्लू में ज़्यादा नहीं रहता, तो इससे मेरे को सिर्फ शॉर्ट स्लीव्स आया है। या आप इसे स्लीवलेस भी सी सकते हो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ इशू हो रहा है तो। तो ये आप इससे एक जैकेट ट्राई कर सकते हो, आप जैकेट इससे भी पहन सकते हो। अगर मैंने वो आउटफिट से अगर उसके साथ भी अगर वो जाएगा तो उससे भी ट्राई कर सकते हो। तो ये अगर आपके पास भी ऐसा कोई साड़ी है तो पल्लू से आप अच्छा सा एक शॉर्ट जैकेट विथ ये शॉर्ट ड्रेस बना सकते हो। तो ये भी क्रिएटिविटी आप कर सकते हो। तो ये पहनने के बाद कैसा दिखता है आप वीडियो के एंड में ज़रूर देखना। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी साड़ी की तरफ। तो आते हैं हमारी तीसरी आउटफिट की तरफ। ये भी मेरी मदर इन लॉ की ही साड़ी है। तो ये साड़ी इसका बॉडी पार्ट प्लेन ब्लू कलर इस तरीके से था, फिर उसके बाद जो हाफ पार्ट ऐसा था, फिर हाफ पार्ट में थोड़े बुटीज थे वो मैं भी आपको बता दी कैसे, फिर हाफ पार्ट फिर से प्लेन था और ये जो पार्ट है ये पल्लू का पार्ट था स्ट्रेट। तो इसमें जितने भी पल्लू के पार्ट थे मैंने उसका एक स्ट्रेट कुर्ती टाइप में आगे फ्रंट में डिजाइन देके बनाया। इसे आप अल्टर नेक भी बना सकते, काफी खूबसूरत लगेगा अगर आपके पास ऐसी कोई साड़ी है तो। लेकिन मैंने इसको यू नेक दिया हुआ है और पीछे थोड़ा डीप यू नेक दिया हुआ है और सो स्लीवलेस बनाया। इसकी जो बाकी की जो साड़ी की पार्ट थी उससे मैंने ये प्लाजो पैंट बनाया थोड़ा घेर देके, तो ये इसके साथ काफी अच्छा लगता है। तो ये कुछ ऐसे प्रिंटेड बुटीक टाइप थी, ये पीछे जैसा प्लेन था वैसे ही बुटीज टाइप थी। और इसके जो कुछ 2 मीटर का पार्ट बचा हुआ साड़ी का वो ये है। तो इससे भी आगे चल के मैं कुछ आउटफिट जरूर तैयार करूंगी और आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि इससे क्या बनने वाला है। ये ऐसा था, फिर कुछ प्लेन था ये स्टार्टिंग ऐसा डिजाइन, फिर से प्लेन था और फिर ये पल्लू था। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी साड़ी पड़ी है तो आप इस तरह से कुछ आउटफिट ट्राई कर सकते हो। तो ये पहनने के बाद कैसा दिखता है वीडियो के एंड में जरूर देखना। तो आज के लिए हमारे पास ये सभी 3 आउटफिट है। अगर आपको इसमें से कोई भी आउटफिट पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आपका और आपका फैमिली का ध्यान रखना। थैंक यू।